पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। नगर के जीआईसी क्षेत्र में प्रशासन जल्द ओपन पार्क का निर्माण कराएगा। जिलाधिकारी रीना जोशी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर पार्क बनाने के लिए 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इसमें जो अतिक्रमण हटाया था उस जगह पे पार्क का प्रपोजल हम लोगों ने बनाया है, जिसको बोर्ड मीटिंग में अप्रूव भी कर दिया गया। लगभग 2 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किए गए थे, अब जल्दी उसमें पार्क का एक काम स्टार्ट हो जाएगा। जो पिथौरागढ़ में जो समस्या आती है, यहाँ ओपन स्पेस अवेलेबल नहीं है सुबह शाम वॉक करने के लिए, लोगों को बैठने के लिए, तो ये पार्क बन जाने पर उसमें लोगों को काफी फायदा। पार्क बन जाने से स्थानीय लोगों को खासी सुविधा मिलेगी। पार्क में रेस्टोरेंट आदि भी खोले जाएंगे। डिडिहाट अस्पताल से जुड़ी समस्याओं को लेकर सर्वदलीय मंच के बैनर तले चल रहा आंदोलन 4 माह बाद बुधवार को समाप्त हो गया। विधायक बिशन सिंह चौफाल ने आंदोलन के संयोजक राजेंद्र बोरा, विपक्ष के नेता प्रदीप पाल के साथ वार्ता की और 45 दिन के भीतर अल्ट्रासाउंड मशीन की टेंडर प्रक्रिया, चिकित्सकों की नियुक्ति सहित सभी बिंदुओं पर समाधान का आश्वासन दिया। 1 महीने के अंदर का जो हमारी जो मशीन लगेगी डिजिटल मशीन अल्ट्रासाउंड की, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बाकी डॉक्टर के बारे में जब तक परिस्थिति नहीं होगा तब तक डॉक्टर यहाँ पर नहीं आएगा। तब तक के लिए जनपद मुख्यालय से जो एक डॉक्टर है, महीने में जब भी उसको समय तय की जाएगी तो डेट को यहाँ पर आएगा। इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारी ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। विधायक चौपाल ने धरने पर बैठे लोगों को जूस पिलाया। पिथौरागढ़ स्थित थरकोट झील में डूबे युवक के परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कुछ माह पूर्व झील में डूबे मृत युवक के परिजनों ने बुधवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर सरकार की ओर से उन्हें मात्र 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने की मांग उठाई। महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी के नेतृत्व में कॉलेज में तालाबंदी करते हुए धरना दिया। छात्रों का हनन हुआ तो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। निदेशक डॉक्टर हेम पांडे ने आक्रोशित छात्रों से वार्ता कर सभी मांगों को 6 माह के अंदर पूरा करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद छात्रों ने धरना स्थगित कर दिया है। पिथौरागढ़ विधायक मयूख महल ने सुनेंगे जन जन की बात कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण में सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम उपरतोला, खड़कू भलिया, राड़ी खूटी के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। विधायक ने कहा कि हमारा ध्येय है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की समस्याओं को सुने और उनके आंगन तक विकास को पहुँचाने का कार्य कर सके। शीतकाल में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद ग्रामीणों को कम्बल वितरित किए गए। डिडिहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल ने विधानसभा के अंतर्गत खोजा में विश्व बैंक की ओर से बनाए जाने वाले 80 मीटर पैदल सेतु का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सेतु बनने से ग्रामीणों को सुविधा होगी। यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिंद्र चौफाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा लोकेश भड़, बलवंत बोरा समेत ग्रामीण मौजूद रहे। पर्यटक आवास गृह में इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कंपनी के CEO राज भट्ट का स्वागत किया गया। भट्ट ने प्रबंधक दिनेश कुरुरानी की पहल पर मानसरोवर यात्री वाटिका में एक पौधा धरती माँ के नाम पर लगाया। उन्होंने गुरुरानी की मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पिंचा ने कोतवाली पंचेश्वर में उच्चीकृत स्मार्ट बैरक का उद्घाटन किया। उन्होंने बैरक में साफ स्वच्छता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मेलन लेकर उनकी निजी पारिवारिक व विभाग स्तरीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली। समस्याओं के समाधान को अधीनस्थों को निर्देश दिए। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ 16 दिसंबर विजय दिवस को सद्भावना अभियान के तहत मनाएगा। इस दौरान गरीब निर्धन व्यक्तियों को जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। संगठन की ओर से क्षेत्र के गरीब निर्धन परिवारों को गर्म कपड़े, बर्तन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्य नेकी की दीवार की तर्ज पर किया जा रहा है। संगठन की ओर से कहा गया है कि जो लोग सक्षम हैं और उनके पास कोई सामग्री अधिक है तो वह चीज उन्हें मुहैया करा दें, ताकि उन चीजों को लेकर निर्धन वर्ग को दिया जा सके। पूर्व सैनिकों ने पहल करते हुए काफी सामग्री को संगठन कार्यालय पर एकत्र भी कर दिया है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।